में साथ शेयर करूंगी बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मेरी जो टिप है, सभी लोग कॉकरोच से बहुत परेशान रहते हैं कि कॉकरोच एक बार अगर पनप जाए तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। और ये सच्चाई हमें तब पता चलती है अगर रात में आपने लाइट ऑफ कर दी किचन की, और जब आप लाइट ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद तो आप सच्चाई को खुद ही देखेंगे कि क्या हालत हो रही है। सारे में कॉकरोच आपको नजर आएंगे। अक्सर इसी तरीके की कंडीशन ज्यादातर सुनने में आती है और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये कंडीशन है तो इसको कैसे ठीक करें। वैसे तो कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए बाजार में बहुत सारे केमिकल मौजूद हैं, लेकिन सभी केमिकल कॉकरोच को भगाए ना भगाए लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होते हैं, स्पेशली तब जब घर में छोटे बच्चे हों। और कॉकरोच घर में है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है। कॉकरोच बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और हमारे खाने पीने की चीजों में अक्सर घुस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो उससे बीमार होने के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। वैसे तो कॉकरोच से छुटकारा पाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय अपना करके हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आपके घर में बनने वाले खाने पीने के सामान के अलावा डस्टबिन में फेंके गए कचरे तक कॉकरोच पनप जाते हैं, लेकिन कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो कॉकरोच की समस्या को चुटकी बजाते ही सुलझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप वो है बोरिक पाउडर। 2 बड़े चम्मच बोरिक पाउडर को सूखे आटे में मिलाकर गूंथ लें। आप चाहें तो थोड़ा दही भी डाल सकते हैं गूंथने के लिए, वरना आप पानी से गूंथकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसके बाद इस आटे की गोलियां बनाकर कॉकरोचों वाली जगह पर, जहां भी आप कॉकरोच ज्यादा देखते हैं वहां पर रख दें। बहुत ही जल्दी कॉकरोच भाग जाएंगे और इसे खाकर मरने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप उन गोलियों को जगह जगह पर रख दें जहां भी कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं और कॉकरोच बिल्कुल भाग जाएंगे वहां से। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों की पहुंच से ये चीजें बिल्कुल दूर रहें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बोरिक पाउडर को जहां पर भी बहुत ज्यादा कॉकरोच हो रहे हैं वहां आप छिड़क दें, सिर्फ छिड़क दें, और उससे भी जब वो उसके कांटेक्ट में आएंगे कॉकरोच तो वो मरने लगेंगे, क्योंकि बोरिक पाउडर हल्के चिकनेपन पर होता है, वो जल्दी जल्दी भाग नहीं पाते हैं, उनके पैर फिसलते हैं और कॉकरोच जैसे ही इसको मुंह में लेते हैं वो मरने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कॉकरोच को हटाने का और बिल्कुल जड़ से खत्म करने का। नेक्स्ट स्टेप, माउस ट्रैप। बाजार में चूहे का जो ट्रैप आता है, एक स्टिकी टेप टाइप का होता है, उस टेप को आप रात को किचन में जहां जहां भी कॉकरोच बहुत ज्यादा पनप रहे हैं वहां पर उस ट्रैप को जगह जगह रख दें, और खाने का कुछ भी सामान, चीनी या कोई भी चीज जिससे कि कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं वो उस ट्रैप के बीच में रख दें। उससे क्या होगा कि खाने की खुशबू से कॉकरोच उस ट्रैप की तरफ आएंगे और सब चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप मॉर्निंग में देखेंगी तो पूरा ट्रैप कॉकरोच से भर रहा होगा और सारे उस पर चिपक गए होंगे। उसके बाद आप उस ट्रैप को फेंक सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कॉकरोच को एक साथ घर से निकालने का। अब जैसे मैंने माइक्रोवेव के पास इस टाइप के कॉकरोच रोज जो ट्रैप्स आते हैं उसको लगा दिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कितनी भी क्लीनिंग कर लो कॉकरोच इतनी आसानी से जाते नहीं है, लेकिन इस टाइप के ट्रैप से आपकी क्लीन करने के बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं तो वो इस ट्रैप पे कैच हो जाते हैं। जैसे ये देखिए मैंने लगाया था, मैं इसको खोलती हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने सारे कॉकरोच, सारी डर्ट और सबके साथ इस पर चिपक गए हैं। अब उठाकर हम इस रोच को, क्योंकि ये बहुत डर्टी हो गया है और काफी सारे इस पर इकट्ठे हैं, तो हम इसको बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके से कॉकरोच वाले जो ट्रैप्स होते हैं बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ आप जो मैं बता रही हूँ तरीके वो अपनाइए, और साथ ही साथ आप घर में रात के वक्त इन ट्रैप्स को रख दीजिए, जो भी थोड़े बहुत होंगे वो इन पर चिपक करके निकल जाएंगे। तेज पत्ता इस्तेमाल करें। तेज पत्ता एक मसाला है और लगभग सभी हम लोगों के रसोइयों में मिल जाता है, हम खाने में बहुत यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा खाना भी बनता है, खुशबू आती है, लेकिन यही तेज पत्ता कॉकरोचों को यूं ही भगा सकता है। अगर आप इन तेज पत्तों को हाथ से मसलकर चूरा बनाकर अपने घर के कोनों में डाल दें तो इसकी जो एक स्मेल होती है, जो गंध होती है, आपके घर में छिपे सभी कॉकरोच
भाग जाएंगे, क्योंकि कॉकरोच इसकी तेज स्मेल को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो या तो आप हाथ से मसल लें या फिर तेज पत्ते को आप मिक्सी में पीसकर पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को जगह जगह जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा कॉकरोच हो रहे हैं वहाँ वहाँ आप छिड़क दें, या और जो कबर्ड्स होती हैं उनमें जगह जगह तेज पत्ते आप डाल दें। एक तो उससे दाल वगैरह में कीड़े भी नहीं होते हैं, चींटियाँ थोड़ी कम आएंगी और कॉकरोच भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन ये चीज आपको रिपीटेडली यानी लगातार करते रहना पड़ेगा जिससे कि कॉकरोच धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरी टिप, बेकिंग पाउडर और चीनी। बेकिंग पाउडर यानी कि खाना सोडा। खाना सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, या आप इसे ईटिंग सोडा भी बोलते हैं या मीठा सोडा भी, सभी के घर में रहता है और खाने की चीजें हम बनाते हैं उसमें काम आता है। या तो आप बेकिंग भी करते हैं या पकौड़े समोसे इन चीजों में डालते हैं, और मैंने काफी सारे होममेड क्लीनर्स भी बेकिंग सोडा से बनाए हैं। बेकिंग सोडा बहुत ही काम की चीज है और आपको बस क्या करना है कि आप बेकिंग सोडा को एक कप में लेकर उसमें एक चम्मच शक्कर यानी चीनी मिला करके एक प्रकार का आप मिक्स बना लें और इस मिश्रण को घर के कोनों में डाल दें, तो कॉकरोच इससे खाते ही बिल्कुल मरने लगेंगे। और क्योंकि इसमें मौजूद जो चीनी है वो कॉकरोच की बहुत ही पसंदीदा चीज होती है तो वो कॉकरोच को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब आप इसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वो एक जहर का काम करता है और इसको खाते ही कॉकरोच मरने लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी दवा है कॉकरोच को हटाने के लिए घर से। नेक्स्ट टिप, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का प्रयोग करने से भी कॉकरोच बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि वो इसकी स्मेल बिल्कुल लाइक नहीं करते। और स्प्रे मशीन में आप केरोसिन का तेल लेकर के कॉकरोच वाली जगह पर जगह जगह छिड़क दें। हो सके तो घर से बाहर जाने के कुछ देर पहले छिड़क लें, क्योंकि कभी कभी लोग इसकी स्मेल लाइक नहीं करते। तो आप ये करें कि जब भी आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, केरोसिन को एक स्प्रे बॉटल में भर के जहाँ बहुत ज्यादा कॉकरोच हो रहे हैं या पनप रहे हैं उन सभी जगहों पर इस स्प्रे को कर दें। इसकी बदबू से कॉकरोच बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और उससे बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट बहुत ही जरूरी बात, कॉकरोच जो मल्टीप्लाई होते हैं वो मेनली सीलन या ठंडक वाली जगह पर होते हैं, जैसे नाली के पास का एरिया, वहां पर आप देखेंगे कि कॉकरोच बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, ड्रेनेज एरिया, आपका जो किचन का सिंक है आपने देखा होगा उस सिंक में से रात में कॉकरोच निकलने लगते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। ये मेन ऐसी जगहें होती हैं जहां से कॉकरोच मल्टीप्लाई होते हैं और घर के अंदर आते हैं। अपने घर में नाली और जितने भी पतनाले वगैरह आपके यहाँ हैं उन सभी पर सबसे पहली चीज आप जाली लगाएं, जो जाली वाला स्ट्रेनर होता है उसको आप लगाएं जाली को, वो उसको रोकेगा। यानी रात में जो कॉकरोच पाइप से निकलकर ऊपर आते हैं किचन में फैलते हैं तो उस चीज को जाली बहुत हद तक रोक देती है। बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको नेक्स्ट टिप और बता रही हूँ, वो है अमोनिया। अमोनिया एक आप कह सकते हैं कि टॉप क्लास हाउस होल्ड रोचेस होम रेमेडी है। यानी अमोनिया आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा और वो आपके आने वाले जो कॉकरोचेस होते हैं ड्रेन में से सिंक में से उनको रोकता है। आपको क्या करना है, आप एक कप अमोनिया लें और एक बाल्टी पानी में मिला लें। अब आप उसको सिंक या टॉयलेट वाली जगहों पर डाल दें। उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो उसकी वजह से कॉकरोच पाइप या टॉयलेट में से नहीं आ पाते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है कॉकरोच को रोकने का, क्योंकि अमोनिया की बहुत तेज एक स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण जो कॉकरोचेज उस पाइप में होते हैं या टॉयलेट में होते हैं वो ऊपर निकल कर नहीं आते हैं, वहीं की वहीं खत्म होने लगते हैं। तो जब भी आप रात को किचन की क्लीनिंग करने के बाद आप यही करें कि आप पाइप में अमोनिया सॉल्यूशन जो आपने पानी और अमोनिया से बनाया है, यानी एक कप अमोनिया एक बाल्टी पानी में, उसको आप डाल दें सिंक में और टॉयलेट में, तो इस तरीके से पाइप क्लीन भी हो जाएगा और कॉकरोच भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप, अगर आप एक साथ बहुत सारे कॉकरोच देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने कैसे मारे हैं या कैसे भगाएं, तो उसके लिए बहुत काम की चीज है साबुन का घोल। पानी में डिटर्जेंट घोल कर साबुन का घोल बना लें, और किसी भी प्रकार का साबुन आप ले सकते हैं। इस घोल को आप एक स्प्रे बॉटल में भर लें और जहां भी आप कॉकरोच देखें उस पर आप स्प्रे करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कॉकरोच तुरंत ही मरने लग रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, तो जब आप साबुन का घोल डालते हैं तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं और कॉकरोच सांस नहीं ले पाते और उसकी वजह से वो वहां से भागने लगते हैं और मरने लगते हैं।
तो घर में कॉकरोच की जो भी छुपने वाली जगहें हैं वहां पर आप इसको छिड़के और स्प्रे करें, आप देखेंगे वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगेंगे कॉकरोच, और फिर आप और स्प्रे करें उनके ऊपर तो वो मरने लगते हैं। नेक्स्ट टिप, लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन में उसी माउथ वॉश की बात कर रही हूँ जो बाजार में मिलता है और हम लोग भी यूज करते हैं। ये गरारे करने के अलावा कॉकरोच को भगाने का काम भी बाखूबी करता है। पानी और लिस्ट्रीन आप बराबर मात्रा में मिला लें और इसमें दो बूंद बर्तन धोने के लिक्विड को मिला लें, जैसे कोई भी विम लिक्विड या डिश जेल। इस कॉकरोच आने वाली जगह पर आप इसे छिड़कें, तब आप देखेंगे कि कॉकरोच बिल्कुल भागने लगेंगे और मरने लगेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आप लिस्ट्रीन को पानी में मिलाएं और थोड़ा सा आप डिश जेल डाल लें और इस मिक्स को स्प्रे बॉटल में भर के छिड़कें। कॉकरोच को भगाने में कॉफी भी काफी असरदार होती है। जहाँ कॉकरोच हैं, वहाँ पर आप कॉफी के कुछ दाने रख दें। कॉफी के दानों को खाकर कॉकरोच मर जाएंगे और बाद में आप इस जगह की सफाई कर दें, तो इस तरीके से भी आप कॉकरोचों को मार सकती हैं और हटा सकती हैं। एक और नेक्स्ट टिप, लाल मिर्च, लहसुन और प्याज का घोल। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक प्याज का पेस्ट बनाकर आप 1 लीटर पानी में घोलकर 1 घंटे रखें। अब इसमें आप 1 चम्मच लिक्विड साबुन घोल दें। लिक्विड साबुन यानी कोई भी, आप डिश जेल भी डाल सकती हैं या कोई भी लिक्विड सोप, उसको घोल दें। अब इस मिश्रण को जहां आप लगाएंगे वहां कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे, इसकी स्मेल से वो भाग जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कॉकरोच को हटाने का और उससे निजात पाने का। नेक्स्ट टिप, लौंग। लौंग खाने को तो अच्छा बनाती ही है, बहुत खुशबूदार होती है। तेज खुशबू वाली लौंग भी कॉकरोच को भगाने का अच्छा उपाय है। घर में जहां जहां कॉकरोच हैं, उसके आसपास की जगहों पर लौंग की कुछ कलियों को रख दें। ऐसा करने से जल्दी कॉकरोच भाग जाएंगे और समय समय पर इन्हें बदलते भी रहें। तो जहां भी आप कॉकरोचेस देखती हैं, वार्डरोब्स में, कबर्ड्स में या कहीं और स्टोर रूम में, आप सभी जगहों पर थोड़ी थोड़ी लौंग रख दें। लौंग की तेज खुशबू से कॉकरोच भागने लगते हैं, उस जगह पर रहना नहीं चाहते। तो ये तो थे कुछ खास टिप्स कॉकरोच से निजात पाने के लिए, क्योंकि कॉकरोच का घर से निकलना बहुत जरूरी है, वो बीमारी का घर होते हैं। दूसरी चीज, कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो घर की साफ सफाई, घर ज्यादातर आप साफ रखें, स्पेशली किचन। दूसरा, जितने भी जहाँ पर छेद हो रहे हैं या फिशर्स हैं, जहाँ पर लीकेज है, उन सभी चीजों को आप संभलवाएं और ठीक रखें, या कहीं दरारें पड़ी हुई हैं उनको आप भरवा दें, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं जगहों पर कॉकरोच छुपते हैं और पनपते हैं। खाना खाने के बाद जितना जल्दी हो सके बर्तनों की सफाई करवा दें, क्योंकि वो उनको खाना जो भी बर्तन में लगा होता है वो कॉकरोच को अट्रैक्ट करता है। डस्टबिन में भी बहुत दिनों तक सब्जी के या फलों के इन चीजों के छिलके ना डाले रखें, उन्हें जल्द से जल्द डस्टबिन से क्लीन करवा दें। कुछ जमीन पर गिर गया है तो उसको भी तुरंत साफ कराएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं कॉकरोच के पनपने से। रसोई और बाथरूम को जहाँ तक हो सके नमी से मुक्त रखें, उसकी क्लीनिंग कराते रहें और ध्यान रहे कि उसमें सीलन ना आए। किचन और बाथरूम अपने क्लीन रखें, क्योंकि ज्यादातर कॉकरोच नमी से ही पनपते हैं। किचन के प्लेटफॉर्म और फर्श की सफाई अच्छे से करवाएं। खाने की सभी चीजें एक एयरटाइट ढक्कन बंद वाले डिब्बों में ही रखनी चाहिए, जिससे कि अगर कॉकरोच फैल भी रहे हैं तो खाने में ना पड़े। आप नेफ्थलीन की गोलियां जो मार्केट में मिलती हैं, वो भी आप वार्डरोब्स और कैबिनेट्स में रख सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच इसकी स्मेल को लाइक नहीं करते और वो उससे दूर रहते हैं। बाथरूम और किचन की जितनी भी नाली है या जो सिंक का एरिया है, वहाँ हमेशा छोटे छेद वाली जाली जरूर लगवाएं, जिससे कि किचन में या बाथरूम में कॉकरोच उनमें से ना आए। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।